हेलो फूडी स्टॉप व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। संपूर्ण आहार एक ब्रेकफास्ट जो बच्चों को हम देंगे उसमें पूरी तरह से उनको अच्छा प्रोटीन, अच्छा आयरन, हम उनको कंप्लीट एक मील देंगे ताकि उनका पेट भरा रहे। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को, जो मैं आज बच्चों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, 1 से 3 साल तक के बच्चों की ये रेसिपी है, आप उनको खिला सकते हैं, उससे बड़े बच्चे भी खा सकते हैं और हम लोग भी खा सकते हैं, रेसिपी ही ऐसी है। तो पर हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर कि हमने इसमें क्या डालना है और क्या नहीं डालना, क्योंकि ये बच्चों को देनी है और वो भी 1 से 3 साल, और खास तौर पर जो 1 साल के बच्चे हैं उनके लिए अगर बना रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी को। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस तरह से एक मैंने ये ले ली है छन्नी, और इस ये एक बाउल है साथ में, तो छन्नी ऊपर रखूंगी। इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये पोहा लेना है। पोहा जो आपको चिड़वा, जो बाजार में बहुत इजीली किराने की शॉप्स पर मिल जाता है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे पूरे चिड़वे को। ये मैंने अभी एक कटोरी लिया है, अभी मैं कम ही बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही, तो मेरे घर में कोई छोटे बच्चे भी नहीं है तो, बट हमने रेसिपी बनानी है तो अभी हमें थोड़ा बना रही हूँ ताकि इसको मैं बाद में खा भी लूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से चिड़वा लिया है, और अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल साफ पानी से अच्छी तरीके से हम इसको वॉश करेंगे। इसको वॉश करने से क्या होगा, इसके अंदर का जितना ऊपर का गंदा होता है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि बच्चों को हमने खिलाना है और वो भी बहुत ही छोटे बच्चों को, तो उसके लिए क्या है कि बिल्कुल हर चीज़ को साफ सुथरा कर और तभी हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए पानी इतना गंदा निकल गया है, तो अभी इसको अलग कर देते हैं। और इस तरीके से मैंने एक कटोरी ली हुई है, और इस कटोरी में मैं ये सारा जो हमने चिड़वा धोया था ये डाल देंगे। इसको डालकर हम इसमें साफ पानी कम से कम 4 से 5 चम्मच डाल देंगे ताकि ये और अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से हमने सॉफ्ट करना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो जाए एकदम। तो इसको अभी मैं रख देती हूँ साइड में, और अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी रेसिपी है बच्चों के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये मैंने ली है पालक। पालक में खूब भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि बच्चों को, वो भी 1 साल के बच्चों को भी आप बहुत ही इजीली आप बहुत कुछ दे सकते हैं, आयरन, प्रोटीन और भी बहुत कुछ। ये पूरी सीरीज है जो कि पूरा हफ्ता चलेगी, 1 वीक चलेगी, और मैं आपको बच्चों के लिए अलग अलग तरह की डिशेस बताऊंगी कि इजी आराम तरीके से आप बच्चों को क्या खिला सकते हैं। तो हमने ये जो पत्ते लेने हैं, इसमें हमने जो ऊपर डंडियां होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेनी, अगर ये थोड़ी बहुत भी दिख रही हैं तो इनको निकाल दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ पत्ते लेने हैं, और वो भी हल्के हल्के, जो हरा रंग हल्का होता है वो लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के पत्ते हमें नहीं लेने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है इसको, इस तरीके से जैसे कि हम लोग धनिया काटते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों को पसंद भी आएगी, और जब आप बच्चों को एक बार ये वाली डिश खिला देंगे सारा दिन बच्चों का पेट एकदम फिल रहेगा, और आपको भी संतुष्टि रहेगी कि आपने एक बहुत हेल्दी और बहुत ही अच्छी मील अपने बच्चों को दी है। तो ये देखिए ये मैंने काट लिया है इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के इस तरीके से मैंने एक पैन रख लिया है, और
छोटी सी कढ़ाई है, ये रखी है, गैस ऑन कर दी है, और इसमें मैं डालूंगी घी। तो अभी मैं सिर्फ एक चम्मच इसमें घी डाल रही हूं। एक चम्मच सिर्फ घी डाला है अभी मैंने इसमें। एक चम्मच घी डालने के बाद, अगर तो आप 2 से 3 साल के बच्चे हैं आपके, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं और प्याज भी डाल सकते हैं। बट अगर आपके बच्चा सिर्फ 1 साल का है तो आप जीरा वगैरह मत डालिए, क्योंकि जीरा थोड़ा हार्ड भी रह सकता है और बच्चे के गले में लग भी सकता है। तो अभी मैं ये सब आपको 1 साल के बच्चे के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसको मैंने गर्म कर लिया है, और गर्म करने के बाद इसमें ये मैं डालूंगी पालक के पत्ते। ये जो हमने काट ली थी पालक, वो डालेंगे और इसको हम मिला लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। और अगर आपको इसमें प्याज, लहसुन और अदरक वगैरह डालना है तो आपको पहले डालना है, जैसे आप लोग छौंक लगाते हैं और उसको पहले डालकर भूनते हैं, तो इस तरीके से हम इसको भून लेंगे। 1 से 2 मिनट में पालक हमारी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। ये बड़े भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगती है। बड़े अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें मसाला वगैरह डालकर खा सकते हैं, बट ये है बच्चों के लिए, तो बच्चों को हमने हेल्दी देना है और अच्छा देना है, जिससे कि उनको खूब सारा प्रोटीन और आयरन, विटामिन, हर चीज़ मिल पाए। तो अभी हमने इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। पालक जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो और बिल्कुल नरम पत्ते थे, एकदम छोटे छोटे, तो मैंने वही काटे हैं। और ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है। और इधर हमारा जो ये पोहा था, ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला था कम से कम 3 से 4 चम्मच, और धोया भी था पहले, और देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, एकदम ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस समय में मैं इसमें ये जो है पोहा डाल दूंगी। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, खूब अच्छी तरीके से हम इसी स्पैचुला के साथ इसको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पालक और भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो बट मैंने अभी इतनी ही रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, 2 पिंच हल्दी डाली है। और नमक, अगर आप छोटे से बच्चे के लिए, यानी कि 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो आपने नमक नहीं डालना, अवॉइड करिए। और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 से 3 साल का, तो 2 से 3 चुटकी आप नमक डाल लीजिए। और साथ में ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची, बिल्कुल ज़रा सी, हल्की सी, 1 पिंच हमने इसमें काली मिर्ची डालनी है। बस यही सामान हमने डालकर इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये डिश बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को भी खाने में अच्छी लगेगी, इससे बच्चों को बहुत अच्छा एक आहार मिलेगा खाने को। और ये देखिए अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है, एकदम मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें, अगर आपको लगता है आपके बच्चे इसी तरह से खा सकते हैं, तो आप ऐसे ही उनको खिला सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से, जैसे आप उपमा वगैरह बनाते हैं उसी तरीके से खिलाइए, नहीं तो इसको हम, मैं थोड़ा अभी जो है 1 साल 2 साल के बच्चे के हिसाब से थोड़ा लिक्विड फॉर्म रखूंगी, तो इसमें आधी कटोरी में पानी डालूंगी, और आधी कटोरी पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी। अच्छी तरीके से इसको मिलाइए, 1 से 2 वाले इसको हम आने देंगे, थोड़ा सा पानी 1-2 चम्मच में और डाल रही हूँ।
अच्छी तरीके से हम इसको मिलाएंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी इस एक छोटा चम्मच भरकर मूंगफली का पाउडर। ये मूंगफली का पाउडर है, एक छोटा चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको दोबारा से एक बार मैं मिला लूंगी। अच्छी तरीके से मिलाइए ताकि कोई लम्स ना रहे और अच्छी सी बढ़िया सी बच्चों के लिए रेसिपी जो है, आपकी जो डिश है, उनका ब्रेकफास्ट है, तैयार होना चाहिए। तो अभी जो हमारी रेसिपी है, हमारी डिश है जो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट है, बनकर तैयार है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसी समय पर मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच देसी घी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार। ये जो बच्चों का ब्रेकफास्ट है, सिंपल, इजी और बहुत ही हेल्दी तैयार हो जाता है। तो ये तैयार हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो बढ़िया सा बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट है बनकर तैयार हो गया है, बहुत हेल्दी, बहुत मजेदार। इसको बड़े भी खा सकते हैं, पर बड़े जब अपने लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें लहसुन, अदरक, प्याज डालकर और खूब और सारा इसमें जो पालक है और ज्यादा डालकर इसको बना सकते हैं और उपमा की तरह बना सकते हैं। ताकि जरूरी नहीं है आपने इस तरह लिक्विड फॉर्म में बनाना है। लिक्विड फॉर्म में मैंने इसलिए बनाया ताकि बच्चे को खाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि जब आप उसके मुंह में डालें तो वो इजीली उसको खा ले। और ये जब बच्चा खाएगा तो पूरा दिन उसका पेट भी फिल रहेगा और आप लोगों को भी तसल्ली रहेगी कि हमने बच्चों को एक हेल्दी डाइट दे दी है। और जरूर बनाइएगा और मेरे को बताइएगा कि ये डिश किस किस ने बनाई, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल बच्चों के लिए एक नई डिश के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच।